कोरोना से जहां एक तरफ पूरा देश लड़ाई लड़ रहा है और इससे लड़ाई में देश के कुछ हिस्सों में लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, तो कहीं देश में अचानक आई कोरोना संक्रमितों की संख्या में हुई वृद्धि से लोग अपना धैर्य खोने लगे हैं। लेकिन इसी बीच कानपुर से आई एक खबर ने उम्मीद की किरण को रोशन कर दिया है। जी हाँ, कानपुर में आज कोरोना से लड़ाई लड़ रहे स्वास्थ्य विभाग के लिए एक अच्छी खबर आई है। शहर के पहले कोरोना पॉजिटिव को हॉस्पिटल से ठीक करके घर भेज दिया गया है। इस दौरान शहर के सीएमओ के साथ साथ डॉक्टरों, नर्सों और पुलिसकर्मियों सभी ने ताली बजाकर उसे बधाई देकर घर। आपको बता दें कि कानपुर में 23 मार्च को कोरोना का पहला मामला सामने आया था। ये 20 मार्च को अमेरिका से इंडिया आए थे, जहां इनको शक होने पर घर में आइसोलेशन पर रखा गया था। तब 70 वर्षीय इस बुजुर्ग को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर हॉस्पिटल में भर्ती कराया था। 23 मार्च को पॉजिटिव रिपोर्ट आने पर कानपुर के पहले कोरोना मरीज के रूप में इनको कोरोना वार्ड में भर्ती कराया गया था। तो वहीं उनके ठीक होने पर स्वास्थ्य विभाग का क्या कहना है वो भी सुन लीजिए। कानपुर में सबसे पहले कोरोना वायरस पीड़ित मरीज रोगी आए थे, तो इन्होंने अमेरिका से लौटे थे। उसके बाद इनको लक्षण हो गए थे, जब जांच कराई गई तो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, तो उनको हमने यहाँ पर एडमिट किया था। डॉक्टर शैलेंद्र तिवारी के निर्देशन में उनका ट्रीटमेंट हुआ, तो आज ये 22 तारीख से करीब 15 दिन के अंदर ये स्वस्थ होकर जा रहे हैं। दो जांच करा ली गई है, कोरोना निगेटिव आई हैं, तो इनको हम लोग एक तरीके से इनकी पूरी टीम को, स्वास्थ्य की टीम को, इनको स्वयं, क्योंकि इन्होंने बड़ी हिम्मत से काम लिया और उसके बाद इच्छा शक्ति इनके अंदर अच्छी थी, और जिस तरीके से इन्होंने इस चैलेंज को लिया, इसके लिए सभी लोग इस खुशी में कि हमने कोरोना को हरा दिया है और निगेटिव करके घर पे भेज। हर तरफ जहां कोरोना का कोहराम मचा हुआ है, तो वहीं इसके बीच ऐसी खबरें दिल को सुकून पहुंचाती हैं और बताती हैं कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कानपुर से न्यूज़ के लिए चंद्रकांत तिवारी की रिपोर्ट।